iconic Charminar is there, but there are there are not that type of an atmosphere to do around Charminar. And I have looked at the other places also. There is nothing like that in sort to do this type of a hunger strike in old city of Hyderabad. And moreover, according to me, new city, all the powerful lobbies, okay, in the government or in the media, everything is being shifted to new city. Nothing is left in old city other than potholes and mosquitoes and uneducated youth. That's why I have chosen the spot. यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से इंडिया आजाद हो चुका है, हमें ओल्ड सिटी को उसकी ज़हनियत से आजाद करना है. इस वजह से रजा भाई ने 15 अगस्त का मौका चुना और यहाँ पर 15 अगस्त की रात में संघर्ष करते हुए पा रहे हैं. चलिए बात करते हैं इंशाल्लाह ओल्ड सिटी की यूथ. जिस तरीके से कॉटन सर्च, चबूतरा मिशन और कई सारे प्रोग्राम्स पुलिस की तरफ से हो रहे हैं, उसी तरीके से रजा भाई का कहना है कि यहाँ पर इसी तरीके से जॉब्स भी प्रोवाइड किया करो. अगर उनके पास नौकरी होगी, काम होगा, तो वो इस तरीके के रातों में वक्त गुजारने का और चबूतरा मिशन करने का आपको मौका नहीं मिलेगा. इस मसले में रजा भाई ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है हमारी गवर्नमेंट को, जो पूछ रहे हैं 3000 चिल्लर रुपए जो देना मुनासिब समझी थी और गवर्नमेंट ने अपने इलेक्शन से पहले वादा किया था, वो वादे का क्या हुआ? When he can spend 85,000 crores on a single project called Kaleshwaram, he can give almost 1 lakh crore to Mission Bhagiratha and Mission Kakatiya. And surprisingly, he has announced 10 lakh rupees. 10 lakh rupees wo apne Chintamataka gaon walon ko dena chahte hai. And that was very painful for me. Unhone apne election manifesto mein kaha tha ke wo एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ को 3016 रुपए देंगे करके. दिसंबर में इलेक्शन हो चुका, इट्स मोर देन हाफ अ ईयर हैज बीन क्रॉस्ड एंड इन बिटवीन देर वॉज अ रिपोर्ट इन द मीडिया दैट ओके द गवर्नमेंट इज जस्ट कंसिडरिंग एंड आई डोंट नो वेदर आई एम अफ्रेड दैट गवर्नमेंट विल ओनली कंसिडर दिस टिल द नेक्स्ट इलेक्शन. तब मेरा वही कहना है गवर्नमेंट से कि चीफ मिनिस्टर एक वो होते हैं जिसको लोग फॉलो करते हैं, यूथ फॉलो करता है. अगर चीफ मिनिस्टर ही ऐसा कहेंगे और कहकर फिर वो अपने ही पर्सनल और अपने ही पॉलिटिकल कैंपेन में लग जाएंगे, तो फिर एटलीस्ट द गाय लाइक मी कैन नॉट कीप क्वाइट, एज सिंपल एज दैट.